गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. सो दिस इज योर मॉरल साइंस पीरियड. बिफोर वी विल स्टार्ट आवर स्टोरी, वी विल रिवाइज असेंबली. हम असेंबली रिवाइज करेंगे. फ्रूट ऑफ द वीक इज एप्रिकॉट. फ्रूट ऑफ द वीक इज एप्रिकॉट. ओके स्टूडेंट, कलर ऑफ द वीक इज ऑरेंज. कलर ऑफ द वीक इज ऑरेंज. शेप ऑफ द वीक इज ट्रायंगल. शेप ऑफ द वीक इज ट्रायंगल. सेंटेंस ऑफ द वीक इज दिस इज माय अम्ब्रेला. सेंटेंस ऑफ द वीक इज दिस इज माय अम्ब्रेला. वर्ड ऑफ द वीक इज अम्ब्रेला. वर्ड ऑफ द वीक इज अम्ब्रेला. Month of the year is July. Month of the year is July. So children, now today we will learn a story. So children, the story is based on, so the title of my story is The Lazy Sun. So children, आज हम एक lazy boy की story पढ़ने वाले हैं. ओके, सो द स्टोरी स्टार्टेड विद अ रिच मनी लैंडर यूज्ड टू लिव इन अ टाउन विद हिज वाइफ एंड सन. सो चिल्ड्रन, एक रिच मैन किसके साथ रहता था एक गांव में? अपनी फैमिली के साथ रहता था. किसके साथ रहता था? अपनी फैमिली के साथ रहता था. So, Mayat was very lazy. So, जो बेबी जो बॉय था Mayat, वो क्या था? बहुत ज्यादा लेजी था. क्या था? बहुत ज्यादा लेजी. एंड ऑन द अदर हैंड द मनी लैंडर वॉज वेरी हार्ड वर्किंग. क्या था? बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग. जो मनी लैंडर था वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग था. ही यूज टू गो टू द शिव टेम्पल एवरी मॉर्निंग बिफोर सनराइज. And after that, he used to take a round of his farm, stable and where all his business was spread. The moneylender was very upset with his son. So children, with his son, lazy attitude, son wake up late, let's convert me to the farms and help me in walk. Oh, not now daddy, let me sleep for a while. Money lender got very upset and went to the farm alone. After some days he got very sick and he died soon, even after the death of his father. Sumit did not take any interest in his father's business. So children, in this story ek rich man hota hai and uska lazy बॉय होता है. कौन होता है? लेजी बॉय. हिज नेम इज सुमित. क्या होता है उसका नाम? सुमित. एंड हिज नेम इज गोपाल. ओके चिल्ड्रन, सो जो मनी लेंडर होता है वो क्या होता है? बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होता है. वो सुबह उठकर सबसे पहले कहां जाता है? शिव टेम्पल जाता है. उसके बाद वो हर उस जगह पर जाता है जहां पर उसका बिजनेस होता है. वो जाता है फार्म्स में, जाता है स्टेबल में, जाता है और भी बहुत सारी जगहों पर जाता है. ओके, सो वो अपने बेटे से क्या होता है? बहुत ज्यादा परेशान होता है. क्या होता है? बहुत ज्यादा परेशान होता है. बिकॉज उसका बेटा क्या होता है? बहुत ज्यादा लेजी होता है. क्या होता है? बहुत ज्यादा लेजी होता है. सो चिल्ड्रन, वन डे द मनी लेंडर गॉट सिक. सो एक दिन क्या होता है? जो मनी लेंडर होता है वो क्या हो जाता है? बीमार पड़ जाता है. क्या पड़ जाता है? बीमार. बट सुमित डिड नॉट टेक एन इंटरेस्ट इन हिज फादर्स बिजनेस. सो जो सुमित होता है वो क्या करता है? अपने फादर के बिजनेस में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं लेता है. ड्यू टू दैट दे वर हैविंग मैसिव लॉस इन द बिजनेस. सीइंग दिस फ्रॉम इट्स मदर सेड टू हिम. सो चिल्ड्रन, इसके बाद होता क्या है? इसके बाद ये बहुत ज्यादा इनके बिजनेस में क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है. बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है. तो ये सब देखकर उसकी मदर उससे कहती हैं. मदर क्या कहती हैं? मदर सेड टू हिम, सन वी आर फेसिंग अ ग्रेट लॉस इन द बिजनेस. सो व्हाट कैन आई डू दिस? सो सुमित क्या बोलता है? व्हाट कैन आई डू?
मैं क्या कर सकता हूँ? बोलता है, आई डोंट हैव एनी नॉलेज ऑफ द बिजनेस, इवन आई हैव नेवर गॉन टू द फार्म्स विद डैड. डू वन थिंग, यू योर ग्रैंड फादर लिव्स इन द नेक्स्ट विलेज, ही हैज अ ग्रेट नॉलेज ऑफ दिस बिजनेस, यू गो एंड मीट हिम, ही मस्ट बी हैविंग अ सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम. सो उसकी मदर क्या बोलती है, बेटा तुम एक काम करो, नेक्स्ट दो इससे बाद वाला विलेज है उसमें क्या रहते हैं, तुम्हारे ग्रैंडफादर रहते हैं, उनके पास बहुत अच्छी नॉलेज है इस बिजनेस की, तो वो तुम्हें सारी चीजें बता देंगे. सो सुमित क्या बोलते हैं, ऑल राइट मॉम, आई विल गो टुमारो. ओनली नेक्स्ट मॉर्निंग सुमित वेंट टू हिज ग्रैंडफादर, वेंट टू हिज ग्रैंडफादर, वेंट टू हिज ग्रैंडफादर, ग्रीटिंग्स ग्रैंडपा, गॉड ब्लेस यू सन. ग्रैंडपा क्या बोलते हैं, गॉड ब्लेस यू सन. So he said, God bless you son, tell me how are you after dad's death, money lender होता है उसकी death हो जाती है, तो उसके बाद जब उसके उनकी जो grandfather होते हैं सुमित के, वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारी dad की death के बाद तुम लोग कैसे हो, तो वो क्या बोलता है, सुमित बोलता है, we are facing a great loss and loss in business. Mom told me that I should come to you for your experience. Now only you can help us and this. So children, वो क्या बोलता है, अपने अपने grandfather को बोलता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हम लोग बहुत सारे problems face कर रहे हैं, और मेरी mother ने ऐसे बोला है कि मैं आपके पास आऊँ और आप मुझे help करें इन सब चीज़ों में. सो जो उसकी ग्रैंड फादर होते हुए क्या बोलते हैं, योर मॉम इज एब्सोल्यूटली राइट, आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम, टेल मी. सो उसकी ग्रैंड फादर बोलते हैं कि मेरे पास तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है. सो सुमित क्या बोलता है, टेल मी ग्रैंड पा, टेल मी क्विकली, यू जस्ट हैव टू डू. फिर वो क्या बोलता है कि जल्दी से आप मुझे बता दीजिए. तो फिर ग्रैंड फादर बोलते हैं, तो ग्रैंडफादर बोलते हैं कि यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग लाइक योर फादर, यू हैव टू गो टू शिव टेम्पल एवरी मॉर्निंग बिफोर सनराइज, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू लुक आफ्टर ऑल योर बिजनेस, एंड यू हैव टू डू दिस एवरी डे. ऑल राइट आई विल. सो ये क्या बोलता है, सुमित बोलता है, ऑल राइट आई विल डू द सेम व्हाट यू टोल्ड मी फ्रॉम नेक्स्ट मॉर्निंग. सो चिल्ड्रन, ग्रैंडपा क्या बोलते हैं, तुम्हें अपने फादर की तरह ही सुबह उठना पड़ेगा सूरज उगने से पहले, और अपने फार्म में जाना पड़ेगा, शिव मंदिर जाना पड़ेगा, उसके बाद कहाँ जाना पड़ेगा, उसके बाद अपने फार्म में जाना पड़ेगा, और वो सारे काम करने पड़ेंगे जो तुम्हारे फादर करते थे. सो सुमित क्या बोलते हैं, ओके ग्रैंडपा, मैं वो सब चीजें करूंगा बट नेक्स्ट मॉर्निंग से. नाउ सुमित वेक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, एंड before sunrise he first went to Shiv temple, and after that he goes to look after all his business. Every morning he goes to farms, then ration shop, after that to his stable. It went on for few days. Seeing him coming to work every day, the laborers were discussing with each other, did you see the boss is coming every day to work now? Yes, it seems that we have to stop all the scams. Now, hey, you are right. Otherwise, we will be trapped gradually. So, children, होता क्या है? जो सुमित होता है वो रेगुलर मॉर्निंग उठकर अपने शिव टेम्पल जाता है, उसके बाद कहाँ जाता है, उसके बाद अपने सारे वर्क में जाता है जहाँ पे भी उनका बिजनेस होता है. सो लेबर्स क्या करते हैं, आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब तो बॉस आ गए हैं और अब वो हमें सब, हमारी जितने भी हम लोगों ने गलतियां की हैं वो सब देख लेंगे. सो इट्स बेटर कि हम लोग ये सब चीजें बंद कर दें. All the laborers saw that Sumit was taking round of the shop and the farm, and in the fear to be trapped, they stopped all the scams. After the closure of the scam, the loss in the business also decreased. So children, जब
जो सुमित था उसने ऐसा किया, उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद सब चीजें सही हो गई, उसके बाद सब चीजें सही हो गई और सुमित को भी ये चीज समझ आ गई कि उसको क्या करना है, उसको सारे काम करने। नाउ आफ्टर दैट सुमित एंड हिज मॉम ग्रेजुअली बिकेम रिच अगेन। ओ वाव, लुक मॉम, ड्यू टू ग्रैंडपा एडवाइस वी अगेन बिकम रिच, यू आर राइट। तो उसकी मदर क्या बोलती है? यू आर राइट सन, यू शुड गो टू योर ग्रैंडपा एंड थैंक हिम सो मच। डिड व्हाट व्हाट हिज मदर टोल्ड एंड ही वेंट टू हिज ग्रैंडफादर। ग्रैंडपा थैंक यू सो मच, ग्रैंडपा थैंक यू सो मच, यू हैव डन अ मिरेकल, जस्ट बिकॉज ऑफ यू अवर बिजनेस हैज फ्लोरिश अगेन माई सन। फिर उसके ग्रैंडपा क्या बोलते हैं? माई सन, आई हैव नॉट डन एनीथिंग, यू ओनली हैव डन ऑल द हार्ड वर्क। वॉट मेंट? सो चिल्ड्रन, जो सुमित हार्डवर्क करता है उसके बिहाफ में क्या हो जाता है? उसकी हेल्प से उसकी मदर और वो वापस से रिच हो जाते हैं। सो चिल्ड्रन, सुमित क्या बोलता है अपनी मदर को कि मदर आपने मुझे सही कहा था कि जो ग्रैंडपा है उनकी हेल्प से हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। तो सुमित अपने ग्रैंडफादर को क्या बोलता है? थैंक यू बोलता है। बट हाउ दिस ऑल वॉज हैपनिंग ड्यू टू योर लेजीनेस, जस्ट बिकॉज ऑफ योर लेजी एटीट्यूड यू वर नॉट फोकसिंग ऑन योर बिजनेस एंड द लेबर्स वर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट एंड डन ऑल द स्कैम्स, बट नाउ यू आर गोइंग टू वर्क एवरी डे सो दे स्टॉप ऑल द स्कैम इन फियर टू बी कैच एंड योर बिजनेस हैज स्टार्टेड अगेन। सो चिल्ड्रेन, इन दिस स्टोरी द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज We have to be very hard working. हमें बहुत ज़्यादा hard working होना चाहिए, हमें lazy बिल्कुल नहीं होना चाहिए, because हमारी laziness से हम लोग बहुत सारी चीज़ें खो देते हैं। So children, अगर सुमित lazy नहीं होता तो उसके father की भी death नहीं होती, right? So children, now you have to listen this story carefully and solve the worksheet based on this story and send it to me before 2 PM, otherwise you will be marked absent. I hope children कि आपको ये story पसंद आई होगी और आपको कुछ सीखने को मिला होगा. So that's all for today's class. Bye bye class. Thank you.